हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमित कुमार गुप्ता दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आज आप जानते हैं, CSGMU यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड सेमेस्टर का ये शिक्षा के तकनीकी परिपेक्ष टेक्नोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन का मैं क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। तो दोस्तों ये आइए देखते हैं, पहले इनके नियम और शर्तों को पढ़ते हैं। तो इसमें जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, OMR शीट पर इसके इसके एग्ज़ाम होते हैं और OMR शीट पर इसकी परीक्षा होती है दोस्तों, एग्ज़ाम होते हैं। तो इसकी 100 में से 75 क्वेश्चन करने रहते हैं आपको, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य में। देखिए, एक क्वेश्चन है बेमेल छाटी है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें बेमेल छाटने हैं आपको। दूसरा प्रश्न है, हार्डवेयर का मुख्य सिद्धांत होता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तकनीकी शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है। शिक्षा तकनीकी के पाठ्य वस्तु को डेविस तथा ग्लेसर ने किन 4 तत्वों में विभाजित किया है। तो इसके 4 ऑप्शंस देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी विज्ञान का रूप है। तकनीकी विज्ञान का मुख्य रूप है शैक्षिक तकनीकी और व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग कहा जाता है। किसने कहा है, 4 ऑप्शन दिए हैं। अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक माने जाते हैं। NCERT के अंतर्गत एक शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना की गई, इसे वर्तमान में कहा जाता है। शैक्षिक तकनीकी के पक्ष होते हैं, सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीकी को कहा जाता है। शैक्षिक तकनीकी का वो कोमल शिल्प उपागम नहीं है। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है शिक्षण और सीखने के तरीकों को विकसित करना, गरीब लोगों की मदद करना, शिक्षार्थियों की क्षमता की पहचान करना, छात्रों को नैतिक मूल्य सिखाना। 14 नंबर है, अभिक्रमित अनुदेशन संबंधित है। व्यवहार तकनीकी के जन्मदाता हैं। शिक्षण तकनीकी को विकसित करने का श्रेय जाता है, अनुदेशन का तात्पर्य होता है। शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अध्ययन का उपहार प्रदान किया गया, व्यवहार तकनीकी का आधार होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण उदाहरण है। शिक्षण के कितने स्तर होते हैं। खुला विश्वविद्यालय उदाहरण है ओपन यूनिवर्सिटी। शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। अनुदेशन द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं। प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि दोनों के किलपैट्रिक होगा, ये बात याद रखिए। प्रोजेक्ट पद्धति का पहला पद होता है। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा नहीं है। संगोष्ठी एक प्रकार है। चर्चा पद्धति वह साधन है जिसके द्वारा लोग साझा करते हैं। चर्चा विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। छात्र निष्क्रिय रहते हैं। प्राचीनकालीन शिक्षण विधियाँ थी, इनमें से कौन से शिक्षण की एक प्रभुत्ववादी विधि है। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है या किस प्रकार की शिक्षण प्राविधि है। शिक्षण में किस प्रकार के उदाहरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है। मस्तिष्क विप्लव ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के प्रतिपादन किया। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। अभिक्रमित अधिगम किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। अनुभव शंकु किसके द्वारा दिया गया है। साखीय अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक हैं। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। छात्रों की त्रुटि को अधिगम में बाधक माना जाता है। छोटे पदों के सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया जाता है। अवरोही अभिक्रमित अधिगम किसे कहा जाता है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए उपयोगी है। सही अनुक्रिया में सहायता देने के लिए अनुबोधकों का प्रयोग किया जाता है। रेखीय अभिक्रम में कितने प्रकार के फ्रेम होते हैं। किस प्रकार के फ्रेम में अनुबोधकों का प्रयोग किया जाता है। ब्रूस जॉयस ने
आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों को कितने परिवारों में विभक्त किया? इनमें से कौन शिक्षण प्रतिमान का भाग नहीं है? शिक्षण प्रतिमान के पदों की व्याख्या की जाती है। छात्रों की संगठनात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा प्रतिमान प्रयोग किया जाता है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान किस वर्ग से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। पृष्ठ पोषण के सिद्धांत पर आधारित है। वैन का पूरा नाम फ्लैंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में कक्षा व्यवहार को कितने वर्गों में विभाजित किया है? फ्लैंडर के अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान के चार पक्षों में से किस पक्ष में शिक्षक तथा छात्रों के अंतः प्रक्रिया के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है? तो दोस्तों आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सामूहिक अन्वेषण प्रतिपादन दिया है। किस प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक क्षमताओं का विकास करना होता है? शिक्षण प्रतिमान के किस सोपान में छात्र और शिक्षक के आपसी संबंध का निर्धारण किया जाता है? किस पद में शिक्षण की सफलता के संबंध में निर्णय लिया जाता है? फ्लैंडर के अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान में शिक्षक तथा छात्रों की किस अंतः प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी आभासी कक्षा की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सा भारत का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय है? निम्नलिखित में से कौन सा आभासी कक्षा का प्लेटफॉर्म नहीं है? केबल टीवी नेटवर्क किसके उदाहरण हैं? आभासी कक्षा में किस प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है? एक नवाचार उपकरण जो शिक्षकों को छात्रों को प्रभावशाली आभासी यात्राओं और क्षेत्र भ्रमण पर कहीं भी ले जाने में सक्षम बनाता है। शिक्षण में ई लर्निंग के साथ आमने सामने और परंपरागत कक्षा विधियों के संयोजन के उपयोग को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा ई लर्निंग का एक प्रकार नहीं है? WBL का पूरा नाम है एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट पोर्टल जहां से आप NCERT की सभी किताबें मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। किसी संस्था में सूचनाओं के परस्पर आदान प्रदान में उपयोग किया जाता है? असिंक्रोनस अधिगम का माध्यम है। सिंक्रोनस अधिगम का माध्यम है। CAI का पूरा अर्थ है। WWW का अर्थ है suresh@hotmail.com का अभिप्राय होता है। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया DNS है इग्नू द्वारा शुरू किया गया शैक्षिक चैनल। आंसर बताइए जल्दी इसका। कौन सा ब्राउज़र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ICT का दोष है? ये दोस्तों इसका आंसर ये आप मत समझ लीजिए ये गलत है, ठीक है। इसका आंसर गूगल होगा। कौन सा ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल जो है ब्राउज़र नहीं, गूगल एक सर्च इंजन है, तो गूगल सही होगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ICT का दोष है? कौन सा सर्वर का प्रकार नहीं है? इंटरनेट पर सूचना एवं आंकड़ों को आदान प्रदान करने के लिए परिभाषित नियम प्रक्रिया एवं संधियों को कहा जाता है। इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट की गति को में मापा जाता है। बेमेल छाटिए। GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रैम लगी होती है। साइट का पूरा नाम है। इनमें से कौन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता है? PM eVidya चलाया जाता है। दीक्षा ऐप पर किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध है? हमारे वातावरण के साथ सक्रिय संपर्क में संचार शामिल है। अंतर्वैयक्तिक संचार का प्राथमिक कार्य है। भारत में पहला रेडियो स्टेशन शुरू हुआ। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर। यदि आंसर नहीं आ रहा है तो भी हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।